हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप सभी के लिए बिहार बोर्ड फर्स्ट टर्मिनल का जो एग्ज़ाम है दोस्तों, उसका रियल पेपर लेके आ चुका हूँ 27 जुलाई का। जी हाँ दोस्तों, मातृभाषा हिंदी के अंदर जो है आपके 27 जुलाई जो है दोस्तों, उसका रियल पेपर यहाँ पर मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ। तो आइए दोस्तों, वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो यहाँ पर आपको दिए गए हैं निर्देश। तो यहाँ पर खंड के अंदर है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो ये जो प्रश्न है आपके 50 नंबर के हैं, तो इन्हें जरूर देखना है, बिल्कुल 50 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो पहला प्रश्न आपको यहाँ पर दिया जाएगा, भीमराव अंबेडकर के व्याख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर किसने किया है। ये चार ऑप्शन है दोस्तों। अगर आपको इसकी आंसर की चाहिए दोस्तों, तो आप एक बार कमेंट चेक कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर जो है आपको दे देना है। अगला प्रश्न आपको दिया जाएगा, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो ये आपको बता देना है, ये चार ऑप्शन है आपके पास। अगला प्रश्न आपको दिया जाएगा, सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं, 3 है 5 है 2 है या 4 है, ये भी आपको बता देना है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन भी चाहिए तो भी आप मुझे बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया जाएगा, अग्रजा शब्द में प्रत्यय क्या है। क्या है दोस्तों, इसमें आपको जो है बता देना होगा दोस्तों। तो इसी प्रकार से जो है आपको कर देना है, मदन किसका बेटा है ये आपको बता दे रहा है, हिंदी कविता के प्रथम के प्रवर्तक कौन है। तो दोस्तों ये है पूरा आपके जो है, मैं एक बार इसे आपको अच्छे से यहाँ पर समझा देता हूँ। यहाँ पर 9th क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है। दोस्तों ये बिल्कुल रियल पेपर है, मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ। अगर नहीं आया दोस्तों, तो आप जो है चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल चैनल अनसब्सक्राइब कर सकते हैं आप, ठीक है। एंड 11th क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, घृणा शब्द का विलोम क्या है। घृणा का क्या होगा विलोम, तो घृणा का हो जाएगा प्रेम, ठीक है। ये जो है एक लॉजिक का सवाल था। हवा शब्द का लिंग निर्णय करें, तो हवा शब्द में जो है आपको लिंग निर्णय करना है कि उभय लिंग है, उनमें से कोई नहीं, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न दिया जाएगा, कुल 4 आदमी हैं, इसमें आपको पदबंध बताना है, कौन सा पदबंध है, ठीक है। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर 14 प्रश्न दिया जाएगा, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। वाक्य है किसका है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं, आपको बता देना होगा। नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है, तो यह आपको बता देना है। चारों ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इसी प्रकार से आपको भी बता देना है, मराठी भाषा की लिपि क्या है, आपको बता देना है। धारा नगरी के कौन परमाक शासक निधानुरी थे, तो यह भी आपको बता देना है। अगला प्रश्न आपके आएगा, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है, तो ये भी आपको बता देना। बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी, ये भी आपको बता देना है, क्योंकि बहादुर ने भैंस को मारा था, बहादुर ने कुत्ते को मारा था, बिल्ली को मारा था, या माँ का काम नहीं करता था। किसने सोवियत संघ का आक्रमण किया, तो किसने किया था आपको बता देना है। अगला 22 प्रश्न आप देख सकते हो, 23 प्रश्न आपके सामने है, गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा ये आपको यहाँ पर देख लेना होगा। गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, गणेश शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा हमारे लंबोदर। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है आपको, प्रति प्लस दिन, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे अव्यय भाव समास। यदो यशोधरा शब्द का संधि उच्छेद क्या हो जाएगा, ये आपको कमेंट कर देना होगा। आगे है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो यहाँ पर शब्द तो केवल संकेत मात्र है, शब्द तो केवल संकेत है, शब्द तो केवल संकेत मात्र ही है, तो इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर आपको बता देना है। आगे का यहाँ पर प्रश्न आप देख सकते हो, 31वां, एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है। वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है। 33वां प्रश्न आप देख सकते हैं, 34वां देख सकते हैं। तो ये सारे प्रश्न जो है आप जो है कर सकते हैं। इसकी PDF जो है दोस्तों, मैं इसकी PDF आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा। डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना, कमेंट भी चेक कर देना, वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना है यार। इस वीडियो में जो है आपको 1K+ व्यूज़ कर देना है, ये प्लीज़ मेरा एम है यार। कल आपके पेपर है, तो प्लीज़ अच्छे से यार तैयारी करो ना। गुरु नानक के पद है, तो आपको बता देना है। ये सभी आपको प्रश्न यहाँ पर दे दिए गए हैं, तो यहाँ पर मैं ही आपको इन प्रश्नों को बता रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर दो यार। आप सभी के लिए हम ऐसी वीडियो लेके आएंगे। और आंसर शीट के लिए प्लीज़ कमेंट कर देना यार, आपको जो भी चीज़ की परेशानी हो, और आप सभी को जो है अच्छे नंबर यहाँ पर लेके आने हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। एंड आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए ना, इसका PDF जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, ठीक है। एंड यही आपका बहुत बड़ा पेपर है, लेकिन बहुत सिंपल पेपर है यार दोस्तों। मैं
आपको बताऊँ ना, बिल्कुल पास कराने की गारंटी ले रहा हूँ मैं आपके, पास करा दूंगा दोस्तों, ठीक है। एंड वीडियो को लाइक कर देना, धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।